ये कह रहे तीनों सर पे बैठा हूं। ओ भाई साहब नहीं 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 रहने दो। अरे भाई वो देखो देखो। सो सुबह सुबह आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ये आई है चाय, ये आया ब्रेड और ये आया ऑमलेट और व्यू कुछ ऐसे है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ वुडन ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और अमेजिंग बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। साथ में मैंने ड्रोन उड़ाने की परमिशन मांगी कि कोई चार्जेस भी ले लो कि ड्रोन उड़ाने की परमिशन हो जाए, बट वो भी परमिशन यहाँ नहीं मिलती तो ड्रोन यहाँ से नहीं उड़ सकता। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। सो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और गुड मॉर्निंग के बाद जो सबसे पहली बात बोलूंगा, काइंडली इग्नोर ऑल दिस। ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है मेरा सारा सामान बिखरा हुआ। एनीवेज ये जो है मेरा डे 3 है मनाली में, और अगर आपने इससे पहले वाला मेरा व्लॉग देखा था तो वो डे 1 था। तो डे 2 गया तो गया का, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो मैं मनाली में ही था उसी दिन, समझो ये जब आप व्लॉग दे रहे हो। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम जो था यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कल और आज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है वेदर को लेकर। आज इतना प्यारा और इतना अच्छा वेदर हो गया है कि अब रहा नहीं जा रहा कि यार आज निकलते हैं बाहर और कुछ घूमने चलते हैं। सो चलो आज का अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं। साथ में हमारे साथ अजय, इस होटल के ओनर। अजय आज कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? सबसे पहले अपन कवर करेंगे नगर कैस्टल। हाँ, देन उसके बाद में अगर जाना वाटरफॉल, वहाँ पर लोकल हिमाचली फूड को एंजॉय करेंगे। देन उसके बाद अगर टाइम मिला तो सॉयल विलेज करके है, वो काफी ऑफबीट लोकेशन है। मतलब हम शाम तक ही आने वाले हैं, पूरा घुमा फिरा के मुझे पूरा दिन लगेगा। अच्छी तरह से इनको दिखाना है कोई? नहीं सर, जरूर है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं नगर कैसल, और मुझे एक्चुअली पता नहीं नगर कैसल है क्या। अजय कुछ बताओगे नगर कैसल क्या चीज़ है? नगर कैसल काफ़ी अच्छा वुडन आर्किटेक्चर है, और मतलब यहाँ के राजा ने उसको बिल्ड किया था अपने एज लाइक फोर्ट के अकॉर्डिंग। तो कितना देर लगेगी हमें नगर कैसल जाने? मैक्सिमम मनाली से सर हाफ एन आवर लगता है, 25 किलोमीटर अराउंड में। चलो 20-25 किलोमीटर है और यहाँ से नगर कैसल। तो ये आपने देखा, तो ये भाई साहब ऐसे काम करवाते हैं, मेन रोड से नहीं लेके जाते हमें। ये देखो, ओ भाई 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 भाई। सो गाइस अभी अपन लोग नगर कैसल में पहुंच चुके हैं। बेसिकली नगर कैसल किसी ज़माने में राजा महाराज ने ये वाला बनाया था, और पूरा वुडन का, अभी बाहर से तो पूरा वुडन का दिख रहा है। और यहाँ पर जो है 30 रुपीज़ एंट्री है। साथ में मैंने ड्रोन उड़ाने की परमिशन मांगी कि कोई चार्जेस भी ले लो कि ड्रोन उड़ाने की परमिशन हो जाए, बट वो भी परमिशन यहाँ नहीं मिलती तो ड्रोन यहाँ से नहीं उड़ सकता। और ये भी बता रहे हैं साथ में कि यार यहाँ पर हुई है काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग, अभी कौन कौन सी हुई है वो भी देखते हैं और अंदर चलते हैं और पूरा आर्किटेक्चर देख। अभी अपन लोग नगर कैसल के अंदर ही हैं, एंड काफ़ी अभी मैंने देखा अंदर लोकेशन बहुत सही है, और जैसे पुराने ज़माने के लोग रहा करते थे पूरा हेरिटेज है वैसा। एक पूरा एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बना हुआ है यहाँ पर, पूरा जितना भी वर्क है सारे यहाँ पर वुडन वर्क हो रखा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है,
पत्थर पत्थर है बीच में और फिर बहुत ही एक अलग तरीके की वुडन है। अभी मैं पूछूंगा अपने भाई साहब से कि ये कैसी कौन सी वुडन है, कैसे बना हुआ है। और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आ रखे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। व्यू मेरे सामने एकदम A1 है और यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। तो अजय भाई, कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है और क्या क्या है? ऐसे होने को तो सर 50 के वो मूवियाँ शूट हो चुकी, बट मोस्टली रिसेंटली मुझे याद है जब भी मेट हुआ है यहाँ। और इसके अलावा जब वही मेट का गाना आपने देखा होगा, ये इश्क है बैठे बिठाए वाला जो गाना है वो एक्चुअली यहीं पर ही शूट हुआ है। ये लोकल काथकुनी स्टाइल में बना हुआ है, जो कुल्लू का आर्किटेक्चर कल्चर है। अच्छा, उसी स्टाइल में ये पूरा बनाया गया। तो ये वुडन कौन सी है, जो वुडन है ये वाली, कुछ नाम है इसका? नहीं, ये वुडन बीच में पत्थर रहता है, ये काथकुनी स्टाइल बोलते हैं। काथकुनी? हाँ, काथकुनी स्टाइल में डिजाइन किया हुआ है। तो अपना यहाँ पर हो चुका है नगर कैसल का काम। अब अपन लोग जा रहे हैं जाना वाटरफॉल, जो यहाँ से लगभग बता रहे हैं 12-13 किलोमीटर ही है। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं जाना वाटरफॉल के लिए। आज विशाल भाई को अपन लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इनको अभी खुश कर देते हैं। आपका क्या काम है वैसे? वैसे मेरा ट्रेवल एजेंसी है। तो इनकी ट्रैवल एजेंसी है, तो अपना नंबर बता दोगे किसी को अगर मनाली आना है तो? नंबर बताओ 9817326820। तो जिसको भी यहाँ पर आना है और गाड़ी की ज़रूरत है तो इनके पास अपनी ट्रैवल एजेंसी है। कितनी गाड़ियाँ आपकी? 6-7 गाड़ियाँ। तो इनके पास 6-7 अपनी गाड़ियाँ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छी तरह से ये लोग घुमा फिरा सकते हैं आपको, है ना? घुमा दोगे ना? तो गाइस ये है अपना जाना वाटरफॉल और अपन लोग जाना वाटरफॉल पे आ चुके हैं। और ऐसे दो वाटरफॉल हैं यहाँ से, एक यहाँ से थोड़ा सा पीछे है जो 50-60 मीटर के दूरी पे है और एक और ये वाटरफॉल है। और जाना विलेज पड़ता है यहाँ पर, इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम जाना वाटरफॉल रख दिया गया। और अगर आप मनाली आ रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि यार ये वाटरफॉल को मिस मत करना, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग ज़रूर है, जाना विलेज से लेकर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग ज़रूर पड़ता है, पर डेफिनेटली वर्थ है। यहाँ तक आ रहे हो तो इस जाना वाटरफॉल को मिस मत करना। ये देखो, तो अगर जाना वाटरफॉल आए और यहाँ पर खाना नहीं खाया तो कोई फायदा नहीं है। तो भैया क्या क्या है ये बताओगे एक बार? 10 आइटम आपको एक थाली में इंक्लूड रहते हैं सर। ये कितने की थाली? 180 की थाली रहती है सर। 180 की पूरी थाली है। तो एक एक बार बता दो क्या क्या चीज़ है, एक एक बार सब बता दो। ये रेड राइस है सर, यहाँ का लोकल रेड राइस रहता है जो ऑर्गेनिक होता है, आपको 250-300 पर केजी मिलेगा जी। और ये लिंगड़ी की सब्जी है, जंगल में मिलती है और प्योर ऑर्गेनिक लगती है, खुद लगती है, जैसे कोई उगाया नहीं जाती, खुद ब खुद लगेगी ये। और सर ये है कड़ी, लोकल यहाँ की कड़ी, हंसा लोकल राजमा, ये देसी गाय का घी है, प्योर घी है, इसमें कोई फैट वगैरह कुछ नहीं रहता है, हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया रहता है सर ये वाला घी। और ये इसका ये जो सब्जी है, इसका अचार है, ये बिच्छू बूटी का चटनी है। और जो ये सिड्डू है, सिड्डू में जैसे आटा होता है बाहर से, अंदर इसमें खसखस और पत्ता गोभी का स्टफिंग रहता है, इसको जो है आप ये घी और ये चटनी के साथ खाते हैं। तो भैया कितना दिन हो गया, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मेरे पापा ने शायद स्टार्ट किया है जगह, फाउंडर ऑफ जाना वाटरफॉल मेरे पापा है, 22 साल हो गए उनको यहाँ। अब 22 साल हो गए, क्या बात है। अब खाएं टेस्टी सर, अच्छा लगेगा आपको। तो चलो एक बार खाना ट्राई करते हैं और खा के देखते हैं कितना टेस्टी है। तो ये मेरी पूरी थाली लग चुकी है यहाँ पर, 3 रोटियों का वेट लग रहा है इसमें, तो और ये मक्के की रोटी है और ये जो है ये है देसी प्योर घी। तो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है लोकल फूड यहाँ का।
सो गाइस अपन लोग जाना वाटरफॉल से हम निकल चुके हैं और अब क्या निकल चुके हैं, हमें हो चुका है 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है और अब हम काफ़ी नीचे नीचे उतर रहे हैं और अब हो रही है बारिश शुरू। एक्चुअली इनका कुछ और प्लान था, कहीं और मुझे किडनैप करके लेके जा रहे थे, कोई विलेज था, अल्टीमेट सीन था वहाँ पर भी, बट सीन अब ऐसा हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा डाउट है। जाने में हमें आधा घंटा लग जाएगा बट कोई पॉइंट नहीं है, अगर ज़्यादा टाइम लग गया और ट्रैफिक में फंस गए या पानी बारिश कुछ भी हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनेगा। सो मौसम जो है बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल मौसम बदल चुका है। अभी तक जब हम गए थे तो धूप थी, अब एकदम अल्टीमेट वाला वेदर हो चुका है। सो गाइस फाइनली मैं अपने होटल रूम में वापस आ चुका हूँ और अभी आप रूम देख रहे हो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है, पर थोड़ी देर में एक सरप्राइज़ आने वाला है आपके लिए और वो सरप्राइज़ क्या है, वो तो सरप्राइज़ है, चलो थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ और डायरेक्ट वो जो सरप्राइज़ है ना उन्हीं से आपको मिलवाऊँगा, ठीक है। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली और ये एक्चुअली मेरा 5वां दिन है मनाली में। 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हो रही थी बहुत तेज बारिश। सेम होटल वही है, होटल हिल साइड व्यू, जिसमें मैं पिछले 4 दिन से एक्चुअली स्टे कर रहा हूँ और ये 5वां दिन हमने जो अपना रूम है ये अपग्रेड कर लिया है और अपग्रेड करने का जो मेन रीजन है ना वो दिखा देता हूँ आपको। अपग्रेड, हेलो, हाय, क्या हाल है? I'm back. जैसा कि तूने अपने व्लॉग में बोला। क्या बात है, आई एम बैक। तो आई नो थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपको लगा होगा कि ये भाई साहब कहाँ से आ गए। अगर आपने मेरी पिछली लद्दाख की सीरीज देखी थी तो हम पिछले 1 महीने से साथ में थे, तो ये भाई साहब चले गए थे लद्दाख के अंदर ही वापस और मैं आ गया था गेमूर जिस्पा होते हुए मनाली और पिछले 2 हफ्ते से अपन अलग अलग थे, फाइनली आज साथ आ गए। सो ये एक बहुत प्यारा सा रूम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो बेड था कल दीपक भाई ने ले रखा था, यहीं पर उन्होंने स्टे किया था। यहाँ पर ये टीवी लगा है, सारे ये वुडन वर्क हो रखा है। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर भी सारा वुडन वर्क हो रखा है और वो वहाँ मज़े ले रहे थे व्यू का और मैं ले रहा था यहाँ पर मज़े। एंड ये रहा मेरा बेड, कल यहाँ मैंने स्टे किया था और ये है सामने का व्यू, अमेजिंग व्यू चारों ओर, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही दिखती है, प्यारे प्यारे घर दिखते हैं और वो सामने पूरा मनाली दिखता है। एनीवेज इस रूम का जो प्राइस है वो है 1800 to 2000 rupees, वेरी करता रहता है, कभी 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आने से पहले एक बार कॉल कर सकते हो और आ सकते हो, 100% रिकमेंडेड प्लेस है वाला। सो चलो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ निकलने से पहले कि अपन लोग ये देख रहे हो बाइक, तो अपन लोग आज बाइक पर नहीं जाने वाले, बाइक यहीं पर ही खड़ी रहेगी। तो अपन लोगों ने मंगाई है कैब, जब मैं अकेला रह रहा था तब इस वाले फ्लोर पे रह रहा था, ये आपको दिख रहा है सेकंड फ्लोर, अब हमारे पार्टनर आ गए हैं तो अपन रह रहे हैं उस वाले डबल स्टोरी वाले फ्लोर के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी है। तो एक और भी बहुत अच्छी है, एज ए कस्टमर मैं इनका रिव्यू दे रही हूँ। अच्छा, कि बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं और मैं जैसे अकेली रही हूँ 15 दिन, मुझे कोई बिल्कुल भी 1% भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप लोग आए और प्लीज स्टे करें। तो ये है जेन्युइन रिव्यू, आपने देखा। आप कहाँ से हो वैसे? मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं फरीदाबाद से हूँ। तो ये गुड़गांव से हैं, 15 दिन से ये स्टे, मेरे ख्याल से आप उसी स्वीट में कर रहे हो ना, सबसे टॉप में? नहीं, मैं अच्छा उसके साइड वाले में कर रहे हो। इन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर करी है, थैंक यू सो मच इनको। अब देखो ये होता है जेन्युइन रिव्यू, कस्टमर का मिलना। नहीं, मैं तो इसलिए अपने आप ही आगे देखो बिना बोले।
लड़े डॉक्टर पकड़ नहीं नहीं पकड़ना नहीं पकड़ रहा जबरदस्ती नहीं मैं नहीं पकड़ रहा। ये देखो अभी मैंने ब्लैक पहना हुआ है, ये देख रहे हो इसने क्या किया। और अगर इसको मैंने ले लिया ना हाथ में तो मेरे पूरे कपड़े व्हाइट हो जाएंगे। तो अपन लोग अभी आ चुके हैं हडिम्बा टेम्पल में। सो ये है अंगूरा रैबिट। अरे मैडम मैं तो लोकल चेप दिया। 20 दे दूं ठीक है लेकिन नहीं मेरे ब्लैक पहना हो मेरे पूरा चिपक जाएगा। नहीं 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 आप इसको करो। अरे तो सारे नहीं हो गई, एक काम ले लेंगे। चलो रैबिट कौन सा ही है? भाई लड़ाई हो गई दोनों में कि किसका। दीदी 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 दो मिनट रुको, यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हो गई है कि किसका रैबिट लिया जाए। मैंने दोनों का ही ले लिया। ये देखिए कितने क्यूट है यार, लग रहे ना जबरदस्त। तो फोटो लेते हैं इनके साथ एक एक। कितने पैसे दिए? 40 रुपीज पर दोनों है ना? हाँ दोनों। चलो ठीक है बढ़िया। अब तीनों के सर तीनों पे बैठाऊं? ओ भाई साहब नहीं नहीं रहने दो। अरे भाई वो देखो देखो भाई साहब ये तो गजब वाला फील हो रहा है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाया था ये है हडिम्बा टेम्पल। अजी कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दो सर। महाभारत के टाइम पे पांडवों में भीम ने इनके साथ विवाह किया था। ये भीम की पत्नी के रूप में जानी जाती कौन? है जो हडिम्बा देवी है। अच्छा। और जो मनाली के लोकल लोग हैं उनको एज ए लाइक कुल देवी की तरह पूजते हैं। मतलब कोई भी ओकेजन हो वो इन्हीं के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। हडिम्बा माता का मतलब पूरे मनाली के ऊपर आशीर्वाद है पूरा कम्प्लीटली, क्योंकि इन्होंने अपना राक्षस रूप था वो त्याग दिया था। तो गाइस फाइनली अपन लोग धूप से चल चल के एकदम छांव वाले एरिया में आ गए हैं। इनफैक्ट अभी एकदम छांव हो गई है। मैं जब तक पिछले 5 दिन से आऊँ ना 4 दिन तो मैंने बिल्कुल भी धूप नहीं देखी थी। अच्छा खासा मौसम था, कभी बारिश होती थी कभी क्या होता था, लेकिन पता नहीं आज ही ऐसा क्या हो गया कि सडन बहुत धूप हो गई। बाकी फ्रंट कैमरा में बात कर रहा हूँ, अभी आपको रियर पर दिखाता हूँ कि क्या व्यू है। आपको पानी की आवाज़ तो आ रही होगी। और एक कैफ़े पर हम आए हैं और ये जो है ये है भानु ब्रिज। इस ब्रिज पे हमारी गाड़ी हम चला के आए हैं और ये देखो ये व्यू है, कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। बिल्कुल कैफ़े हीरा पीछे कैफ़े है और यहीं पर ही ये पूरी ब्यूटीफुल और अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा लग रहा है। और ये भैया बता रहे हैं कि काफ़ी मूवीज़ की जो है वो शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी दिखा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है पानी की आवाज़।